हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं सूर्य कमल जी? कहाँ चले गए? आप बार बार मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं महाराज जी? देखिए, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए अगर हम जीवन भर आपका धन्यवाद करते रहें तो भी कम है। आप भूल रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। पैसे लेकर किसी का जीवन बचाना कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं देखिए, अब तो बस इंतजार है आपकी रिपोर्ट सही आ जाए तो बात आगे बढ़े। जी क्या सोची आपको? कोई ऐसे करता है क्या? कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था ना। इतनी जल्दी और कुछ नहीं हो सकता था प्रीति जी, तभी तो। और ये तो पुण्य का काम है। देखिए ना, मेरे एक अंग दान करने से एक नहीं दो दो नौजवान जिंदगियां बच रही हैं। उस लड़के की जिसे मेरी किडनी मिलेगी और हमारी सजनी की भी। हमें तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? मेरे पास आपके जैसा बड़ा दिल नहीं है सूर्य कमल जी। आपको पता था ना कि मैं ये सब करने से आपको रोकूंगी, इसलिए आपने मुझसे छुपाया ना। अरे नहीं नहीं प्रीति जी, मैं आपसे छुपा नहीं रहा था, बस तब बताना चाहता था जब रिपोर्ट्स आ जाए। मैं तो तब भी आपको ये कदम उठाने से मना ही करती ना, तब आप मान जाते। आप क्यों कर रहे हैं सब जब हमारे पास दूसरा रास्ता है? तो मैंने आपको कल बताया था ना उस डांस कंपटीशन के बारे में, उसमें जीतने वाले को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मैं और पुष्कर वो कंपटीशन जीत गए तो। अगर ना प्रीति जी, नहीं प्रीति जी, इस समय हमें हमारी समस्या का एक अचूक समाधान चाहिए। देखिए, मैं आपके डांस करने या पुष्कर के साथ में डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सजने की जिंदगी का सवाल है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप वो कंपटीशन जीत जाएंगे? है क्या? नहीं ना, वक्त हाथों से फिसला जा रहा है प्रीति जी, और मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। वैसे भी इसमें मेरे लिए कोई जोखिम नहीं है। एक किडनी बहुत होती है इंसान को जिंदा रखने के लिए। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको नहीं करने दूंगी ऐसा। आप नहीं करेंगे ना? क्या हुआ ना? आज तो मुझे पिक्चर दिखाने लेके गए ना, अभी तक तुमने अपनी चाय पी है और ना ही मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? वो प्लेसमेंट इंटरव्यू था आज कैंपस में। तो आज तो वो लोग सिर्फ जायजा लेने आए होंगे ना? हाँ, पर आज मुझे कंपनी से जॉब का ऑफर भी मिला। क्या? एक्चुअली मेरे फाइनल के रिजल्ट आते ही मुझे वो जॉब मिल सकती है।
सच्ची और इतनी अच्छी बात तो मुझे ऐसे सुना रहे हो? देखो ये बात तो सुन लो जानू। बोलो। दरअसल उस कंपनी के मैनेजर ने उससे 2.5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे। उसने कहा है कि एक हाथ 2.5 लाख रुपए लेके आओ, दूसरे हाथ अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आऊं। इतने पैसे तो काफी होंगे ना नौकरी के लिए? चलो कोई नहीं, बहन के नाते ही भाई के काम आ गए ये पैसे। क्या कहा तुमने? फिर तो सच सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? ऋतु बताओ। यकीन नहीं होता ऋतु, तुम इतनी गिरी हुई घटिया हरकत कर सकती हो। सूर्य कमल भैया ने दिन रात मेहनत कर करके एक एक पाई जुटाई सजनी के ऑपरेशन की, और तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपने साथ साथ मुझे भी अपने पाप में भागीदार बनाया। मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो शायद सही नहीं था। मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए तो नहीं किया है ना। अब एक पत्नी अगर अपने और अपने पति के बारे में सोचे तो क्या ये गुनाह है? गुनाह गुनाह होता है रितु, चाहे किसी के लिए भी किया गया हो। एक तो तुमने अपने ही घर में चोरी की और अब अपने आप को सही ठहरा रही हो। तो मुझे एक बार खुद को सही ठहराने तो दो, मेरी बात तो सुनो। माना कि मेरे मन में दो पल के लिए लालच आ गया था, पर सजनी का ऑपरेशन इन पैसों की वजह से थोड़ी ना अटका हुआ है। हाँ वो तो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि जब तक उसकी हालत स्थिर नहीं हो जाती उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक वो ठीक होगी तब तक सूर्य कमल भैया कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। इतना वक्त है तो हम ही इन पैसों का सदुपयोग कर लेते हैं, और इनकी बदौलत अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो तुम सजनी का इलाज करा सकते हो, उसका ब्याह करा के अम्मा जी को निश्चिंत कर सकते हो, मेरी और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि नौकरी मिल जाने के बाद तुम्हें 100-100 रुपयों के लिए अपने भैया भाभी के सामने हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। सोचो नीरज सोचो। वो सब ठीक है रितु, लेकिन सजनी का ऑपरेशन उसका क्या? उसकी हालत देखी है ना तुमने, अब क्या गारंटी है कि इलाज करवाने के बाद भी सजनी ठीक हो जाएगी? अब मैं तो तुम्हें आंखों देखी ही बता रही हूँ। पता है मेरी मामा जी की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूछो कौन कौन सा इलाज नहीं कराया उन्होंने। हॉस्पिटल का बिल भरते भरते बेचारे मामा जी उनका तो दिवाला ही निकल गया, और उनकी माँ वो भी ठीक नहीं हुई। धीरज मैं ये नहीं कह रही कि हमारी सजनी कभी ठीक नहीं होगी, पर अभी की स्थिति देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। देखो जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम सुधार नहीं सकते ना, पर अपना आने वाला कल तो सवार सकते हैं ना। अब फैसला तो तुम्हें ही करना है नीरज, कि तुम्हें नौकरी करके हम सबके लिए कमाना है या फिर अस्पतालों के चक्कर काटने हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर सजनी को आपके इस बलिदान के बारे में पता चल गया तो क्या वो खुश रह पाएगी? कौन बताएगा उसे? नहीं प्रीति जी, मैं अब अपने वादे से नहीं मुकर सकता। यहां भी किसी की जिंदगी का सवाल है, और मैं
उम्मीद देकर उस भले इंसान को ना उम्मीद नहीं कर सकता। मारु जी, क्या कहा डॉक्टर साहब ने, ऑपरेशन कब कर सकते हैं? नहीं सूर्य कमल जी, आपकी किडनी मेरे बेटे से मैच नहीं करती है। ये कंपटीशन तो वृंदावन में ही है ना? नहीं नहीं, दिल्ली में होगा। मेरा मतलब है अगर हम फाइनल्स तक पहुंच गए तो। नहीं सूर्य कमल जी, आपकी किडनी मेरे बेटे से मैच नहीं करती है। मुझे बहुत दुख है मारू साहब, मैं आपके बेटे के कोई काम ना आ सका। शायद यही भगवान की मर्जी थी, मेरे बेटे को किसी और की किडनी मिल चुकी है। वो बहुत ही नेक इंसान था, आज ही उसकी इसी हॉस्पिटल में डेथ हुई, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी किडनी मेरे बेटे को डोनेट कर दी। चलिए अच्छा है, आपके ऊपर कान्हा जी की कृपा बनी हुई है, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी यही मना रहा हूं भगवान से, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। अरे नहीं नहीं सॉरी। राधे राधे। राधे राधे। खुश लगता है कान्हा जी को भी हमारे लिए आप ही का रास्ता पसंद आया है। तभी देखिए ना, एक नहीं चलने दी उन्होंने मेरी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी मंजिल भले ही सांची हो, लेकिन रास्ता वही होगा जो आपको ठीक लगेगा। हाँ। तो बताइए, कंपटीशन में हिस्सा ले रही है ना आप? मैं ले लूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। जीतने की गारंटी ना सही, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। जरूर। मैं तो हमेशा हर बात में आपके साथ हूँ। आपके साथ दो पंछी छूने चले हैं आसमां, राहें अलग अलग हैं दोनों का जहां, थोड़ा
के मोती फिर ये कहलाएगा दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। अभी नाम इतना बढ़िया है तो प्रैक्टिस तो तगड़ी करनी पड़ेगी ना, हर रोज कई कई घंटे, है नहीं जीजा जी? अरे बिल्कुल जी, आप दोनों को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वैसे तो ये बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन पूरे इंडिया से एक बढ़कर डांसर आ रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में। उन्हें टक्कर देने के लिए हमें अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ेगी प्रीति जी। जब सवाल ही जान का है तो जान तो लड़ानी ही पड़ेगी ना। वैसे कॉम्पिटिशन तो वृंदावन में ही है ना? नहीं नहीं, दिल्ली में होगा। मेरा मतलब है अगर हम फाइनल्स तक पहुंच गए तो। मतलब दिल्ली जाना पड़ेगा? सिर्फ जाना ही नहीं होगा, हमें वहां रहना भी होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों को दिल्ली लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी। ये हुई ना बात, आपने तो बचा ही लिया। वरना दिल्ली के नाम से इनकी शक्ल देखे तो मैं घबरा ही गया था कि बॉस अब तो यहाँ मना करने ही वाली है। अच्छा ये फॉर्म आप भर के मुझे देना, मैं आप पहुंचा दूंगा। क्या हुआ? वैसे जीजा जी, डांस तो आपको आते ही होगा ना? नहीं डांस और मैं क्यों पूछ रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि इस कंपटीशन में ना बेस्ट कोरियोग्राफर को भी 10 लाख का इनाम मिलेगा। अगर जीजा जी आपके साथ डांस कर लेते तो एक तो आपकी जोड़ी कमाल कर देती, और दूसरा मेरी कोरियोग्राफी धमाल कर देती, और तीसरा हम तीनों मिलके पूरे 25 लाख रुपए जीत जाते। माय गॉड। अरे बस 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 बस, मैं आपका मतलब अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर ठीक है, वो फॉर्म भर के आप मुझे दे दीजिएगा और एड्रेस प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। आप दोनों को बहुत मेहनत करनी है अब, है ना? हाँ हाँ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये लीजिए, मैं आपका फॉर्म भर के ले आया हूँ। क्या हुआ? अम्मा जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद है ना, उन्होंने तो मुझे नौकरी तक नहीं करने दी थी, और फिर ये नाच गाना। प्रीति जी, ये लीजिए, मैं आपका फॉर्म भर के ले आया हूं। क्या हुआ? मैं ये सोच रही थी
अम्मा जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद है ना, उन्होंने तो मुझे नौकरी तक नहीं करने दी थी, और फिर ये नाच गाना। माँ से मैं बात कर लूंगा, आप तो अपना पूरा ध्यान अपने ध्येय पे दीजिए बस। और रही बात दुनिया की, उसकी भी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ बस। तो फिर अरे अब दोबारा के सोच में डूब गए। एक बात याद आ गई सुमे की, उस दिन ना वो माँ की एक बात बता रही थी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने पति का साथ, पति के प्रेम की धनी पत्नी। घर गृहस्थी का बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़े आसानी से सह सकती है, और सूर्य कमल जी जैसा बेटा होते हुए हमें प्रीति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस एक ही प्रार्थना है कान्हा जी से कि जिस तरह से उन्होंने रास्ता दिखाने में हमारी सहायता की, लक्ष्य को पाने में भी हमारे सहायक बने रहे, ताकि सजनी का ऑपरेशन जल्दी से हो जाए और वो ठीक हो जाए। ऐसा जरूर होगा, क्योंकि सजनी के पास आप जैसी प्यारी भाभी जो है। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना है ना। अभी अभी कहाँ जाना है हमें? पुष्कर के पास, उसका फोन आया था, कह रहा था डांस रिहर्सल के लिए एक जगह मिल गई है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। आपकी बड़ी बहू भी हिस्सा ले रही है ना इस साल प्रतियोगिता में? मेरी बहू और नाच गाना? राधे राधे। लो जी, मैंने उस प्रतियोगिता के फॉर्म पे आपकी बड़ी बहू की फोटो देखी है। अरे तूने किसी और की तस्वीर देखी होगी पगली। आपकी कसम जी, मैंने सूर्य कमल की बहू की ही फोटो देखी है।